आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मोनोएटॉमिक एंड ए डाइएटॉमिक गैस हुज मिक्सचर हैज ए वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा ए इक्वल टू 3/2। गामा ए यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है और हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें दिया गया है एक मोनोएटॉमिक और एक डाइएटॉमिक गैस और हमें बोला है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है मोनोएटॉमिक और डाइएटॉमिक गैस का दोनों का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ए गैस है, एक बी है, ए जो है मोनोएटॉमिक है, बी जो है डाइएटॉमिक है, दोनों का मिक्सचर जो है ए प्लस बी, ये सी है, ओके। और ए का हमको दिया गया है N1 मोल मानते हैं, बी का है N2 मोल, तो सी का जो मोल होगा वो हो जाएगा N1 प्लस N2, ओके। और जो मोनोएटॉमिक गैस होता है ए, उसका जो हमारे पास गामा होता है, गामा मतलब एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा 1 इजिकल टू 5/3 होता है। जो डाइएटॉमिक है उसका जो गामा होता है हमारे पास गामा 2 7/5 होता है। तो हमारे पास जो गामा अल्फा है दोनों का मिलाकर वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 3/2, ओके। तो हमसे पूछा है कि N1 बाई N2 ये क्या होगा, मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायएटॉमिक गैस। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू N1 बाय गामा माइनस 1 प्लस N2 बाय गामा 2 माइनस 1। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है आपको मिक्सचर का। अगर हमारे पास एक गैस ए है दूसरा बी है तो दोनों गैस का अगर गामा हमें पता है गामा 1 गामा 2, तो जो मिक्सचर का गामा आएगा गामा ऑफ मिक्सचर, ये जो गामा है ये गामा ऑफ मिक्सचर है, तो वो क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमको गामा मिक्सचर दे रखा है 3/2, गामा 1 पता है गामा 2 पता है, सारे का वैल्यू पुट करेंगे, N1 बाई N2 हमको निकालना है। तो सबसे पहले N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई गामा मिक्सचर हमारे पास है 3/2 माइनस 1 हो गया, ये इज इक्वल टू N1 बाई 5/3 माइनस 1 प्लस N2 बाई ये गामा 2 हमारे पास 7/5 है, तो 7/5 माइनस 1, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ गया 3/2 माइनस 1 1/2 2, यहाँ पे 1/2 तो 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस N2। इसी तरीके से 5/3 माइनस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 N1/2 और यहाँ पे जो है 7/5 माइनस 1 ये हो जाएगा 2/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास 5 N2/2। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो N1 वाले टर्म को लेफ्ट साइड कर लेते हैं, N2 वाले टर्म को राइट साइड कर लेते हैं रेशियो निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2N1 माइनस 3N1/2 इज इक्वल टू 5N2/2 माइनस 2N2। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा, ये जो दोनों सॉल्व करने पे आएगा N1/2 इज इक्वल टू N2/2। तो हमारे यहाँ से हमारे पास N1/2 का रेशियो क्या आएगा 2/2 मतलब 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, N1/N2 का जो रेशियो है वो हमें निकालना था, वो हो जाएगा हमारे पास N1/N2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।